अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और रमज़ान का दूसरा अशरा स्टार्ट हो गया है। उम्मीद है आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। मेरा भी बहुत अच्छा गुजर रहा है, लेकिन बहुत बिज़ी, और ये टू वीक्स बहुत ज़्यादा बिज़ी थे, इसलिए मैं कोई भी वीडियो आप लोगों के साथ रमज़ान की अब तक नहीं शेयर कर सकी। सो ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है जो मैंने आज अपलोड की है, और उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। सो प्लीज़ एंड तक आपने मेरी वीडियो वॉच करनी है, और अगर न्यू व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेशन पे भी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आज। सो अभी यहाँ पे मैं इफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आज इफ्तार पे मैंने अपने इन-लॉज को इनवाइट किया हुआ है, तो माशाल्लाह से सबने आज आना है इंशाल्लाह। और अभी यहाँ पे फ्रूट चाट की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले तो फ्रूट चाट कट कर लेती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो काम है ना फ्रूट चाट का होता है, उसमें फ्रूट्स को कट करना पड़ता है, तो वो ये ज़्यादा काम होता है। बाकी जो काम है वो इतना ज़्यादा नहीं है। बाकी मैं आपको दिखाऊँगी आज के जो मेन्यू है, आज क्या क्या मैं बना रही हूँ, और आज डिनर में और इफ्तार में आज क्या होगा, तो आपने इसलिए वीडियो मेरी एंड तक वॉच करनी है। और जो जो चीज़ें मैं प्रिपेयर करूँगी उसकी थोड़ी बहुत रेसिपीज़ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। और घर की जो डेकोरेशन है रमज़ान की, आपने स्टार्ट में देखी होगी, मैंने थोड़ा बहुत घर डेकोर भी किया हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसका मैंने स्टार्ट में थोड़ी सी आपको वीडियो दिखाई थी। बाकी जो टेबल सेटअप है, और जिस तरीके से आज हम लोग सारी अरेंजमेंट करेंगे उसकी इफ्तार की, वो भी मैं आपको सारा एंड पर दिखाऊँगी। चार बिल्कुल रेडी है, और इसमें मैंने फ्रेश मैंगो जूस ऐड किया है, और साथ में थोड़ा सा फ्रूट चाट का मसाला ऐड किया है, और बस तो ये बिल्कुल रेडी है। और अब मैं इसको रैप करके तो रख दूँगी फ्रिज में। सो ये हैं भले जो मैंने कल ऑलरेडी बना के रखे थे दही बड़ों के लिए, और ये मैंने खुद घर में बनाए हैं, और इसकी रेसिपी बहुत इजी है। सिर्फ मैंने ये किया था कि मसूर की दाल और माश की दाल को मैंने भिगो के रख दिया था, उसके बाद उसको ग्राइंड करके इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड किया था, और उसके बाद उनको फ्राई किया था, और ये इस तरीके से इस शेप में आपके बिल्कुल बन जाएंगे। और ये है कि इसको मैं भिगो दूँगी और ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, क्योंकि अगर खाली बेसन के बनाएंगे तो वो टूट जाते हैं, तो ये नहीं टूटेंगे और बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। तो बस इसको मैं भिगो कर रख दूँगी 2 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से डीप हो जाए, अंदर से अच्छे से मॉइस्ट और सॉफ्ट रहे। यहाँ पे मैं प्रिपेयर कर रही हूँ योगर्ट, क्योंकि पहले ऑलरेडी मैंने पानी में डाल के रख दिए हुए हैं, तब तक कि वो सॉफ्ट हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर योगर्ट भी प्रिपेयर करके रख लेती हूँ। योगर्ट के लिए मैं यहाँ पर 2 स्पून यहाँ पे योगर्ट ले रही हूँ, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी और शुगर ऐड करूँगी, और इसको इतने अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें कोई लंप ना रहे, ना ये बहुत थिक होनी चाहिए ना ही बहुत थिन होनी चाहिए, बस इसका जो है ना, क्योंकि अगर ज़्यादा थिक होगी तो भी ये भले जो है वो ख़राब हो जाएंगे, और अगर ज़्यादा थिन होगी तो ये बिल्कुल पानी छोड़ जाएगा।
और अभी यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ सैंडविचेज़। ये कॉल सैंडविचेज़ हैं चिकन के, बहुत ही मज़े के बनते हैं। उसके लिए मैंने ये किया था कि चिकन ब्रेस्ट ली थी और उसको मैंने बॉयल कर लिया था, और उसमें एक ग्रीन पेपर को भी बॉयल करके मैंने साथ में डाल दिया है, और साथ में इसमें मायोनीज़ ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट, ब्लैक पेपर और वाइट पेपर इसमें ऐड करूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको बस सैंडविचेस पे लगा देना है। सैंडविचेस आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, और उनको मैं तो यहाँ पे सर्कल में कट करूँगी। अगर आप चाहें तो उनको स्क्वायर में भी कट कर सकते हैं, ट्रायंगल में कट कर सकते हैं। और अब मैं तैयार करने लगी हूँ पकौड़ों का मिक्सचर, क्योंकि पकौड़े भी बनाने हैं। तो उसके लिए मैंने प्याज लिया है, इसे प्याज के पकौड़े बनाऊंगी। बहुत ही सिंपल से पकौड़े ये बनेंगे और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो इसमें मैंने सिर्फ एक प्याज लिया है, और एक प्याज ही बहुत इनफ होगा। और उसमें सिर्फ ये प्याज और धनिया और ग्रीन चिलीज और उसमें बाकी जो मसाले हैं वो बस ऐड करूँगी। और मसालों में मैं इसमें कोरिएंडर सीड्स डाल रही हूँ, और कोरिएंडर पाउडर और क्यूमिन पाउडर, सॉल्ट एंड रेड चिली, और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी। और अब इसमें मैं बेसन डालकर इसको छोड़ दूंगी अभी, क्योंकि इफ्तार में टाइम है, और इफ्तार से पहले इसमें पानी डालकर तो उसका बैटर रेडी करूंगी। और यहाँ पे साथ ही मैंने खजूरें भी ट्रे पे रखती हैं सारी। सो आज का जो डिज़र्ट है वो है दूधे लाड़ी, और ये बहुत ही मज़े की है होती है। तो मैं इसको यहाँ पे डिश आउट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको रात को निकाल के फ्रीज़र में से रात को निकाल के रख दिया था, तो अब तक ये बिल्कुल डिफ्रॉस्ट हो चुकी हुई थी। तो इसमें कुछ भी नहीं ऐसा करना, बस इसको निकाल के तो मैं इसको बस फ्रिज में रख दूँगी, और ये बिल्कुल रेडी है। वैसे ये होममेड भी होती हैं, आप घर में भी इनको बना सकती हैं, लेकिन यहाँ पे बनी बनाई मिल जाती है, तो मैं ये ला के रख लेती होती हूँ, और मुझे ये बहुत पसंद है। तो मैंने ये 2 बॉक्स लिए थे, और ये 2 बॉक्स इनफ होंगे आज के लिए। और साथ में गार्निश के लिए ये छोटे छोटे पैक्स जो दिए होते हैं, इसमें पिस्ता बादाम है, तो उसके ऊपर मैं बस थोड़ा सा गार्निश कर लूँगी इसको। सो अब मैं यहाँ पे दही भल्लों को असेंबल करने लगी हूँ। मैंने एक ट्रे लिया है, उसमें मैंने योगर्ट जो प्रिपेयर करके रखा था उसकी पहले एक लेयर लगा दूँगी। योगर्ट की एक लेयर के बाद मैं उनके ऊपर भल्लों की लेयर लगा दूँगी, जो ऑलरेडी मैंने पानी में डिप करके रखे हुए थे, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हुए हैं। तो अब मैं उनको बस थोड़ा थोड़ा स्क्वीज़ करती जाऊँगी, ताकि जितना भी उनमें पानी है वो निकलता जाए। और फिर उसके ऊपर सारा योगर्ट फिर से हमने डाल देना है, और उसके ऊपर थोड़ा सा जितना भी आपके पास कोई मसाला है, जो दही भल्लों का अगर मसाला है वो डाल लें, या तो चाट मसाला डाल लें। और उसके ऊपर फिर मैंने डाल दी थी मज़ेदार सी होममेड चटनियाँ, आलू बुखारा और इमली की चटनी।
इससे बहुत टेस्ट अच्छा रहता है और बहुत मज़े के ये दही बड़े बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको भी अपने घर में। बहुत सिंपल सी इसकी रेसिपी है और ये अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ खुबानी की चटनी। जो जो चटनी आपके पास अवेलेबल है होममेड आपने जो बनाई है वो उसके ऊपर आप डाल दें। और एक ट्रे में मैंने सारी होममेड चटनियाँ डाल दी थी, इमली और आलू बहारा, खुरबानी और मिंट की चटनी। इफ्तार के लिए बहुत यूज़फुल रहती है, समोसा पकौड़ा वगैरह के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे बारबेक्यू चिकन बिल्कुल रेडी है, मैं घर में बना रही हूँ साथ में बारबेक्यू राइस इफ्तार के लिए, लेकिन सिर्फ मैंने घर में यही बनाया है और बाकी जो चीज़ें हैं वो बाहर से हमने ऑर्डर की हैं, जिसमें सिर्फ बारबेक्यू हमने ऑर्डर किया है बाहर से और साथ में चने। तो ये राइस यहाँ पर बॉयल हो रहे हैं, वेजिटेबल्स भी रेडी हैं और चिकन भी रेडी है, तो मैं यहाँ पर इनको असेंबल कर रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे राइस की लेयर लगाऊंगी, बॉयल राइस हैं, बिल्कुल सादे हैं, इसमें कुछ भी मैंने नहीं डाला और ये बिल्कुल सिंपल से वाइट राइस हैं, तो इनकी एक लेयर मैं पूरी लगा दूंगी ट्रे पे। और फिर इसके ऊपर मैं लहसुन का और रेड चिल्ली का तड़का डाल रही हूँ, जो मैंने अभी तड़का प्रिपेयर करके रखा था वो उसके ऊपर एक लेयर उसकी लगा दी। और फिर इसके ऊपर जो वेजिटेबल्स रेडी करके रखी थी उसकी एक पूरी लेयर लगा दूंगी और उसके ऊपर फिर बस चिकन की लेयर लगानी है, जो ऑलरेडी बारबेक्यू चिकन बना के रखा हुआ है उसकी लेयर लगेगी। फ्रोज़न चीज़ें भी मैंने निकाल के यहाँ पे रख दी ही हैं और बस इनको अभी फ्राई करना है। आलू के समोसे हैं, कीमे के समोसे, चिकन पैटिस हैं और साथ में स्प्रिंग रोल, सिर्फ ये फ्राई करने हैं और पैटिस बेक होंगे तो उनको बस मैं ये करूँगी कि उनके ऊपर ब्रश के साथ थोड़ा थोड़ा सा एग की लेयर्स लगा दूँगी और इसको फिर बेक करने के लिए रख दूँगी। ओवन मैंने ऑलरेडी प्री हीट पर रख दिया हुआ है, तो बस इसको बेक करूँगी, बाकी चीज़ों में साथ ही फ्राई करना शुरू कर दूँगी। सो पैटिस यहाँ पे ऑलमोस्ट बेक हो चुके हैं और बस थोड़ा सा कलर जो है ना उसका गोल्डन ब्राउन और होंगे तो वो फिर बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं बाकी सारी चीज़ें फ्राई कर रही हूँ और साथ ही पकौड़े भी फ्राई कर रही हूँ। सो सब कुछ रेडी हो गया है और इफ्तारी का टाइम भी बिल्कुल करीब है और सब आने वाले हैं, तो उससे पहले मैं आपको सारी अरेंजमेंट दिखाऊँगी और जिस तरीके से सेटअप किया हुआ है मैं आपको पूरा अपना किचन अब दिखाऊंगी। सब कुछ हमने किचन में ही डिस्प्ले किया था, फूड भी, और यहाँ पे सारा चाय का सामान रखा हुआ है, साइड पे सारे ड्रिंक्स पड़े हुए हैं और ये आइलैंड के ऊपर मैंने ये सारी चीज़ें सेटअप की थी। और साथ ही हमने टेबल एक पूरा लगाया था फूड के लिए, जहाँ पर हमने इफ्तार और डिनर के लिए फूड डिस्प्ले किया था। और
उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को, और प्लीज़ मुझे आप फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मेरा अकाउंट है नगीन लाइफ स्टाइल लाइफ इन USA, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे भी अपनी डेली अपलोड्स चीज़ें करती रहती हूँ रमज़ान की, तो प्लीज़ वहाँ पे भी मुझे ज़रूर फॉलो करें। इंशाल्लाह नई वीडियो पे जल्द मुलाकात होगी आपसे। अपनी दुआ में मुझे बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।